आज के लिए मैंने किस तरह अपने प्लान को सही तरह रिपोर्ट किया जाता है, क्यों रिपोर्ट करने की ज़रूरत आती है। अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं शदा वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल प्लांट्स एंड पॉट्स पर। तो सबसे हमें ये जानना होता है कि हमारे प्लांट को तो रिपोर्टिंग की ज़रूरत भी है कि नहीं। तो उसके लिए आपने सिंपल ये मैं एक प्लांट नर्सरी से ख़रीद के लाया था, इसमें जो है ये लोग ठिकरी नहीं लाया था, तो उसकी जड़ जो है आराम से बाहर आ जाती है, पता भी लग जाता, तो उसका मतलब इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो अगर आपके प्लांट को ना हो और आपको ऊपर सरफेस पे सॉइल दिख रही हो, आपको सरफेस पर गुड़ाई करते हुए टच करते हुए आपको रूट विजिबल हो रही हो या आपको लग रहा हो कि रूट से ऊपर आ रही है, उसको और बड़ी जगह की ज़रूरत है, तो आप इसको रिपोर्ट करें, ना बिना वजह आप इसको रिपोर्टिंग करें। और तो जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है आपने देख लिया कि आपका प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। अगर ये 4 इंच ये 3 इंच के ऐसे तो पॉट में आएंगे इस वक्त, तो मैं इसको उसकी साइज से डबल लूँगा, जो होगा 6 इंच का पॉट, इसमें मैं इसको ट्रांसफर रिपोर्ट करूँगा। तो आपने जो है ये करना है कि देखना है इसकी सॉइल जो है आपके प्लांट की सॉइल क्ले ही तो नहीं है। अगर बहुत क्ले टाइप की होगी तो जड़ों को ऐसी प्रॉब्लम होगी। पर यहाँ कराची पाकिस्तान में जो है ज़्यादातर बालू मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, तो हमें सॉइल हटाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर जो है ये क्ले सॉइल है तो आपको उसकी सॉइल हटानी पड़ेगी, क्योंकि जो है क्ले सॉइल में प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो उसके बाद जो मैं अपने रिपोर्टिंग के लिए काम करना है वो करना है आपने मेक श्योर करने के आपके सॉइल मिक्स वेल ड्रेन अच्छा रिच सॉइल मिक्स है। तो सॉइल मिक्स में मैंने जो लिया है वो है 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर और 1 हिस्सा फाइन सैंड। फाइन सैंड वो जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, आप उसे बारीक करके छन्नी से छान के आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने उसमें मिक्स कर दिया 1 हिस्सा। तो उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो काउडंग है वो अच्छी तरह से डिकम्पोज हुआ हो। दोस्तों अपना जो पार्ट आता है उससे पहले जो है आपने अपने सॉइल में अपने पॉट में सॉइल भर लेनी है। सॉइल भरने का सिंपल सा तरीका है, आपने पहले एक ठिकरी रख देनी ड्रेनेज होल पर। मेक श्योर कीजिए आपके गमले में ड्रेनेज होल हो, अगर नहीं होगा तो आपका प्लांट मर भी सकता है। उसके बाद आपने थोड़ी सी इसमें मिट्टी डालनी है, पहले तो आपने बिल्कुल थोड़ी सी इसमें मिट्टी डालनी है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हाथ से ही या किसी भी चीज़ से इसको बेड बना लेना है। आपने बेड बना लिया, आपने फिर इतनी मिट्टी डालनी है जितने में आपका पॉट जो है ये ऊपर की तरफ आ सके। तो आपने देख के मिट्टी डालनी है, फिर इसमें मिट्टी डालनी है जितने में आपका पॉट आ सके। तो मैं इसको मिट्टी डाल लेता हूँ इसमें, अब देखता हूँ पॉट से ही आ रहा है, थोड़ी सी और मिट्टी आएगी क्योंकि मिट्टी पानी डालने के बाद टैप करने के बाद बैठ जाती है गमले के अंदर, जो छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं तो अंदर मिट्टी बैठ जाती है। तो अब हमारा पॉट बिल्कुल सही आ रहा है इस पॉट में। तो अगला काम हमने जो करना है वो करना है इस पॉट को निकाल, इस प्लांट को पॉट से निकालना है। तो उसके लिए आप किसी भी हार्ड सरफेस पे को नॉक करेंगे तो ये जो है निकल आएगा ईजीली। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ उसको पॉट से, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका रूट बॉल निकाल लिया है, तो इसका रूट बॉल वैसे मुझसे टूट गया है, तो वो जो सॉइल थी उसमें भी कीड़ा था, तो मैं इसको भी यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं सबसे पहले इसको इधर इसको जो है किसी भी पानी की बाल्टी में पानी के साथ डाल देना, जिस तरह मैंने इसको डाल दिया पानी, तो मैंने डाला सबसे पहले, उसके बाद प्लांट को डाल दिया ताकि उसकी जड़ों को पानी की कमी ना हो। दोस्तों आपने अगर आपके पास है, आपके पास कोई प्लांट पहले से आपके ही पास लगाया था, आपने उसको अपनी तरफ से सबसे बड़ा गमला दिया था जैसा कि 12 इंच का गमला दिया था, पर अब उसकी उसमें भी रूट बाउंडिंग हो रही है, तो आपके पास एक ही गमला जाता है। अगर आप उसकी कह रही है उससे बड़ी जगह नहीं दे सकते, तो आप उसकी जड़ों को कट करें। पर जड़ों को कट करने के लिए आपको राइट सीजन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर राइट सीजन नहीं होगा तो आपका प्लांट मर भी सकता है। और ये सारा जो प्रोसेस जो अभी मैंने आपको बताया, आपने इवनिंग के वक्त करना है या फिर उस टाइम जिस टाइम सूरज ना निकला हो। तो मेक श्योर कीजिए कि काम आप बिल्कुल भी सूरज में ना करें।
तो दोस्तों अब जो है इसका रूट बॉल असाइनमेंट टू डी हमने रूट बॉल छंदाया लगाया था, तो हमें जो है पॉट में जो है और मिट्टी डालनी होगी। तो मिट्टी डालते हैं, उसके बाद जो है हम फिर प्लांट करते हैं अपने प्लांट को। पहले मिट्टी जो है मिट्टी डाल ले रहा और याद रखिएगा अगर आपके प्लांट की हाइट की है तो आपने कम से कम इसको इतना तो आपने अंदर दबाना ही है ताकि जो है वो अच्छे से शूटिंग शुरू करे। और ये प्लांट जो है वो पब्स भी देते हैं नीचे से, मतलब इसके रूट लेवल से ही दूसरे प्लांट्स इसके निकल आते हैं जिससे इसकी प्रोपगेशन भी रहती है ईजीली, नहीं तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता। तो इसको वाइडर गमला दीजिएगा जितना हो सके, और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं इसको ज़रा सा फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने इसको फिल कर दिया अपने पॉट को सॉइल से, बट आपका अगला स्टेप ये कि आप अपने हाथ से जो है सॉइल प्लांट के इस तरफ नहीं, प्लांट के बाद आपके वन डायमीटर 1 इंच तक आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने साइड साइड में पॉट को वर्क करना है और सॉइल को अपने हाथ से अंदर एयर पॉकेट से अंदर डालना है पॉकेट के, ताकि सॉइल जो है अच्छी तरह से अंदर बैठ जाए या उसके अंदर पानी दें तो अंदर ना बैठ जाए बहुत ज़्यादा सॉइल। वैसे अगर आप पानी देते हैं उसके बाद जो है आपकी सॉइल बैठ जाती है अमूमन, तो सब चले पहले पानी दे देते हैं इसको। फर्स्ट टाइम आपने इसको अच्छी तरह से पानी देना, मैंने इसको पानी दे दिया। अब जब ये सूख कर लेता है तो मैं आपके शेयर करता हूँ कि अब क्या करना है आपने। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वाटर आके सेट हो गया है, तो यहाँ पे जो है हमारी सॉइल जो है इवनली स्प्रेड नहीं हो सकी है, हमारी सॉइल यहाँ से गढ़ा बन गया, यहाँ से नीचे हो गई है। तो आपने सिंपल ये करना है, आपने इसमें और सॉइल ऐड कर देनी है और इसको बराबर कर देना है। आपने सॉइल ऐड कर ली, इसको फिर अपने हाथ से दबा दें और उसके बाद इसकी जो आपने जहाँ पे इसको रखना है वहाँ पे बिल्कुल भी सन ना आता, डायरेक्ट इसमें सनलाइट ना है। आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सन की रोशनी है पर सूरज की तेज धूप ना है, जो सूरज के बाद जो साया होता है वो आए इस पर, इस पर सन ना आए बिल्कुल भी, इसमें डायरेक्ट सनलाइट ना है। तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है, फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।